वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम फजल अब्बास और आप देख रहे हैं ये कमेंट से यकीन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसकी वीडियो शेयर करें, तो मैं आपसे वो पूरी शेयर करूँगा कि कैसे हम यकीन बनाते हैं, क्या टूल हमको चाहिए होता है दोस्तों के लिए, वीडियो का यकीन हम लोग कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या टूल्स आपको चाहिए होती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टूल की तरफ लेके जाता हूँ कि क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों और ये कहाँ से मिलेंगी। दोस्तों कील बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक हैमर चाहिए होगा, थोड़ा छोटे लेवल का, छोटी थोड़ी भी जिसे हम लोग बोलते हैं। एक आपको ये चाहिए होगा, एक आपको ये प्लास चाहिए होगा, ठीक है। आपको धागा चाहिए, आप कोई भी धागा या नलकी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एल्फी चाहिए, मेरे पास ये थोड़ी एल्फी कम थी तो मैं नई एल्फी भी साथ रख ली जो मुझे चाहिए थी। एक आपने रेगमार ले लेना है 0 नंबर का, ठीक है। उसके बाद कुछ आपने पीस ले लेने कटिंग के, जो इस शेप में आपको दिखा देता हूँ। ये हर साइज की इसमें हम लोग कील बना सकते हैं। देखें ये जो हमने नंबर 1 पे रखी हुई है, जो शीट हमने काट के रखी हुई है पाइप की शाम हम लोग बनाते हैं, ये छोटे कीलों के लिए, ये उससे बड़े कीलों के लिए, ये दरमियानी कीलों, ये तो आखिर में दो जो है ये दरमियाने कील होते हैं, ये बहुत छोटे जो कील होते हैं ये उनके लिए बनती है, ठीक हो गया दोस्तों। एक आपको लोहे का संबल इस शेप में चाहिए होगा बड़ा, ठीक है, ये शामों को खोलने के लिए होता है। और एक आपको चाहिए होगा छोटा, ठीक है, छोटा आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ये अपने बराबर फिक्स करने के लिए होता है। और सबसे इसमें जो मेन चीज़ है ये डाई का कमाल है। आपके पास जब तक कील आपने बनाने, आपके पास ऐसी डाई नहीं होगी तो आप कील नहीं बना सकते। मैं आपको समझ यू कराता हूँ, देखो ये डाई की शक्ल है दोस्तों, इस नमूने की डाई होती है ये शामों के लिए। शाम अगर आपकी अच्छी तैयार होगी, लेवल की तैयार होगी, सही तैयार होगी, तो आपको मुर्गा इंशाल्लाह कील अच्छे उसी उसके होंगे, कील अच्छे वो मारेगा। फिर इस डाई की दूसरी चीज़ ये होती है, ये इस शेप में होती है कि आपकी जो कील होते हैं वो उसके अंदर आसानी से बन जाए। मैं आपके सामने ये लाइव बनाऊँगा भी इस वीडियो में, लेकिन ये आपके पास टूल्स लाजमी होने चाहिए। और ये आपको देखिए जैसे फिट हो गया तो पूरी शाम इसमें आसानी से फिट हो जाएगी। दोस्तों ये शीटें आपने कुछ इस शेप में काट लेनी है, जिसका ये हिस्सा 1.25 इंच और ये 1.5 इंच, ठीक है। अगर आपके पास छोटे कील हैं तो उनके लिए इस शेप में आप बनाएंगे, अगर आपके पास दरमियाने और बड़े कील हैं तो ये शेप आपकी बनेगी, ठीक है। ये और आपने साइडों पे छोटे से ये कट लगा देने हैं लाजमी, जब शीट काट लेंगे तो इसके नीचे ऐसे यहाँ पर कट आपने लाजमी लगाने हैं, दोनों इस साइड पर भी लगा लेने हैं और इस साइड पर भी, ठीक है, हर शीट पर। और फ्रंट पे आपने देखा है, फ्रंट पे आपने हल्का सा कट इधर से लगाना है, एक साइड पे इधर से लगाना है, दोनों साइडों पे आपने देखा फ्रंट आपको नज़र आ रहा है हल्का सा कटा हुआ है, ठीक है, ताकि आपकी जो शाम है वो बिल्कुल गुलाई में आए। फिर आपने करना कि आपने कोई भी एक शाम ले लेनी है, मैं आप इसी को मतलब एक शाम ले ली, ठीक है। आपने प्लास की मदद से, ठीक है, इसे इसके ऊपर ऐसे रख के हल्का सा टर्न आउट कर लेना है, ठीक है। टर्न ये प्लास से आपने इसको थोड़ी सी चेहरा दे देना है गोलाई का, ठीक है। अब अपने अगला काम क्या करना है, आपने ये इस डाई में डाल दिया और हल्का सा इसके ऊपर से, ठीक है, जैसे प्रेस करेंगे आपने ये सिंबल डालना है बीच में, ठीक है, और इसको हमने हथौड़ी की मदद से, हथौड़े की मदद से इसको थोड़ी सी ऊपर से 2-3 सट्टे मारना, ठीक है। ये आपकी इसकी कुछ शेप तैयार हुई लेकिन ये मुकम्मल अभी तक तैयार नहीं हुई। आपने इसको मजीद
देखिए दोस्तों, अभी ये बिल्कुल फिक्स इसके अंदर जा रही है, जैसे हम बनाने इसको चाह रहे हैं। अब दोस्तों, अपने जो मेन ये जो हमने चीज़ डाई की ये रखनी है, और ऊपर से ठीक है, तो चाकू की मदद से आप इसे ऐसे करेंगे आराम से, और ये बाहर निकल आएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों ये हमारी शाम एक जो तैयार है, ठीक है, ये आप इसकी गोलाई भी देख लें, ये तकरीबन 1 इंच की लेंथ बनी है, ठीक है। दोस्तों ये हो गया शाम बनाने का तरीका। दोस्तों अभी हम शाम को साफ किस तरह करते हैं, दोस्तों अपने शाम को अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कील लगा के दिखाऊंगा कैसे हम लोग कोई भी कील इसमें एडजस्टमेंट करने हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक कील बना हुआ है, ठीक है, मुर्गे का, अब मैं इसमें फिट करूंगा। दोस्तों जब आपका कील आपके रुख पे आ जाए, देखें जब आपका कील आपके रुख पे आ गया है, तो आपने एल्फी लेनी है, तो आपने एल्फी थोड़ी सी लेके
इसकी ऐसे साइडों पे फिक्स कर देनी है, ठीक है। इसे एक दो मिनट के लिए खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो दोस्तों आपने धागा ले लेना है, धागे को आपने एक हिस्सा यहाँ पे ऐसे रखना है और एक हिस्सा यहाँ पे, आपने इसको ऐसे घुमाने शुरू कर देना है। दोस्तों आपने कील को ऐसे ही वापस ला देना जहाँ से मैं जैसे मैं बना रहा हूँ। आपने फर्स्ट इसको बैक पर जहाँ से आपको ये लगा हुआ इसको अपने यहाँ पे एलपी लगानी है। इसी तरह आपने पूरे कील पे जो आपने ऊपर धागा लगाया है एल्फी लगा देनी है, फिर अपने चाकू की मदद से यहाँ से भी कट लगा देना है और यहाँ से भी। दोस्तों ये आपका कील तैयार है। दोस्तों ये आपका कील तैयार हो चुका है। अब देखें इसकी बैक पीछे से खाली है, अभी तक हमने बैक पे कोई काम नहीं किया। बैक को हम कैसे भरते हैं, आपने मीठा सोडा लेके वो इसमें भरना, ऊपर से एल्फी डाल दें। एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने मैजिक लेके वो इसकी बैक साइड पे डाल के उसे भर देना ताकि कुछ टाइम के बाद सूख जाए। अभी ये हमारा पूरा कील तैयार हो चुका है। जहाँ पर कमी पेशी है आपने वहाँ पर अपना रेग मार्क, जो आपके पास जीरो नंबर का, ये मेरे पास रेग मार्क जीरो नंबर का है, ठीक है। तो आप ये मार के अपनी बकायदा पूरी सेटिंग में ले आए।
दोस्तों ये आपका कील है, एक तैयार है, ठीक है।